नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ITI का स्कोप है वो प्राइवेट कंपनीज में है या नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ITI का फ्यूचर प्राइवेट कंपनी में है या नहीं है। ITI स्टूडेंट एक बहुत ही टेक्निकल बंदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको टेक्निकली प्रैक्टिकली नॉलेज होता है। तो जब बंदा ITI करता है तो वो हमेशा बंदों का ड्रीम होता है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा, लेकिन सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में वो आते हैं तो कुछ लोग बन जाते हैं, वहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, नहीं ठीक है यार, लाइफ कट रही है, प्राइवेट सेक्टर में ही सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, कोई बात नहीं गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली ये माइंडसेट होता है सबका। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि प्राइवेट में कितना फ्यूचर सिक्योर है ITI वालों का और कितना नहीं है। और मैं बता दूं, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और होपलेस मत होइएगा, जो भी बात मैं बता रहा हूं रियलिटी बता रहा हूं। अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। देखो ITI अगर आप कर रहे हो ना, तो मेरा सबसे पहला यही ओपिनियन है कि आप गवर्नमेंट में जरूर ट्राई करो, क्योंकि जितनी सैलरी आपके गवर्नमेंट संस्था दे सकती है उतनी प्राइवेट में कुछ कंपनीज को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको छोड़ करके प्राइवेट की सारी कंपनीज उतना पैसा नहीं दे पाएंगी। लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, जहां पे आपका PF कटता है, आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस है, मतलब सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है ना, वहां पे बड़ा फायदा होता है ITI वालों को। क्योंकि देखो PF, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो या 25,000 हो या 10,000 हो, PF का अमाउंट जो होता है लगभग सेम ही डिडक्ट होता है, बस बहुत कम डिफरेंस होता है। तो जितना अगर PF आपका 2,000-2,800 जो भी कटता उतना कंपनी सबमिट करती है, तो वहां पे एज ए गवर्नमेंट संस्था की तरह समझ लो आप काम कर रहे हो अगर PF वाला फंक्शन है। तो जो ITI कर रहे हैं ना, वो ट्राई करें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करने का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी वही काम करवाती है आपको जो नॉर्मल कंपनीज करवाती हैं। तो वहां पे जाने का एक तो PF का बेनिफिट हो जाता है, दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाते हैं आपको, और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी के, जो एक अच्छी कंपनी के फायदे होते हैं वो मिल जाता है। अगर ITI की कंपनी है, वहां पे आप एज इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हो, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलेगा आपको, और मतलब 5 डे वर्किंग होती है, लाइफ क्लासिकल होती है और ज्यादा काम नहीं होते ITI कंपनी में। लेकिन अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपनीज में हो, तो वहां बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो आउटपुट होता है वो उतना ही होगा जितना एक ITI कंपनी में काम करने वाला ITI वाला बंदा कमा रहा है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आते हो ना, तो पहले अपने आप को घिसो, मतलब घिसने का सेंस इन द सेंस कि आप अपने आप को लगाओ, पूरी मेहनत पूरी जान लगाओ अपने आप को जस्टिफाई करने में। जब आप प्रॉपर वे में मेहनत करोगे ना, तो एक रिजल्ट भी प्रॉपर वे में आएगा, और जब रिजल्ट प्रॉपर वे में आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो करियर ग्रोथ है वो ऊपर बहुत जाएगा, और करियर जब ऊपर जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ITI वालों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप ITI कर रहे हो तो होपलेस मत हो, लगे रहो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लगे रहो और सही डायरेक्शन में लगे रहो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। होपलेस होने की जरूरत नहीं है, कभी 6 महीने साल भर नहीं नौकरी मिल रही कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है, 2-2 साल तक जॉब नहीं मिली है, फिर भी वो इस छोटी सी जॉब से स्टार्ट करके करियर बहुत दूर तक पहुंच गए, मर्सिडीज तक की गाड़ियों में घूमे, मर्सिडीज जैसी कंपनीज में जॉब करे, जगुआर BMW जैसी कंपनी में भी ITI वाले बंदे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे भी तो बंदे हैं, वहां पे भी बंदों की सैलरी आप सोच लो कितनी होती होगी, लाखों में होती होगी। तो टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपकी जॉब भी अच्छी खासी हो जाएगी। एक बार आपकी जॉब सेट हो गई तो आपको कहीं भी जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां भी आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे उससे ज्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये ITI वालों के लिए वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।